जय माँ मरिया आप सभी को। मरिया माँ उपासक में आप सबका स्वागत है। मैया की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज मैं आपके लिए एक चर्चा का विषय लेकर के आया हूँ जो कि बड़ा खास है और बहुत अच्छा है। ओम नमः शिवाय एक शाश्वत ध्वनि है, आप भी जानते हैं, जैसा कि ओ उ म। ओ से जनरेटर, उ से ऑपरेटर, म से डिस्ट्रॉयर। हिंदी में इसका अर्थ होता है ओ से सृजनकर्ता, जो उत्पत्ति करता है, ऊ से जो पालनहर्ता है, पालन करता है विष्णु, म जीभ का यूज, होठों का यूज बंद। इसका मतलब डिस्ट्रॉयर, हर चीज समाप्त करने वाले शंकर हैं। तो जो शंकर जी हैं, आपने जाना होगा, सबने जाना है कि ओम नमः शिवाय जो शाश्वत मंत्रों में से है, जो स्वयंभू मंत्रों में से है, अगर आप 1,25,000 उसका जाप कर लें तो आपके जीवन में क्या बदलाव आएंगे। इसके 4 चरण से 5 चरण हो सकते हैं ओम नमः शिवाय के। ठीक, पहले अगर आप चाहें तो जब भी आप पूजा पाठ करें, सुबह नहाए धोएं, पूजा पाठ नहीं भी करें तो कम से कम 5 से 10 मिनट का मेडिटेशन करना चालू करें। ओम नमः शिवाय एक ऐसा जाप है, एक ऐसा मंत्र है जो कि बहुत हार्ड भी है और बहुत सरल भी है। तो सबसे पहले आप उसका जाप चालू कैसे करें बता रहा हूँ मैं, कि 5-5 मिनट नहाने के बाद आप मेडिटेशन करें। सिर्फ बैठ जाएं और फिर ओम 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 इस प्रकार जप करें। उसके बाद जब आप धीरे धीरे करके इस चीज़ को सीख जाएंगे, तब आप माला पकड़ करके उसके जप चालू करें। जब आप ये सारी चीज़ों के जप चालू करेंगे, तब आप ये चीज़ देखेंगे कि आपके अंदर एक असीम ऊर्जा का प्रचार और प्रसार हो रहा है। वो ऊर्जा आपके अंदर एक अंधकार को ख़त्म कर रही है, वो ऊर्जा आपको रोशनी की तरफ ले जा रही है, और वो ऊर्जा आपको एक नई एनर्जी की तरफ ले जा रही है। आपको बड़ा एक्टिव बनाएगी वो। पहली चीज, जब आप इसके 10,000 मंत्रों को पार करेंगे ओम नमः शिवाय के, प्रतिदिन अगर आप 11 माला भी करते हैं तो 1,000 मंत्र आपके हो जाते हैं। जब आप इसके 10,000 मंत्रों को पार करेंगे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय से जपते रहेंगे, चाहे आप रात में करें चाहे आप सुबह करें, तो आप ये देखेंगे कि आपके अंदर जो आपका हार्ट चक्र होता है, वहाँ पर एक अजीब सी मिथिली महसूस होने लगेगी। वहाँ पर एक, जैसे बोलते हैं ना, गुदगुदी टाइप, ठीक वैसी महसूस होगी। यही चीज़ आपको आपकी कमर के नीचे वाले हिस्से में भी हो सकता है, नाड़ियों से ऊपर की ओर आपको ये सारी चीज़ हो सकती है। जब आप इस मंत्र के कम से कम 20 से 25 हजार जप पूरे कर लेंगे, तब तो आपके जीवन में सबसे बड़ी एक उपलब्धता हासिल होगी आपको, कि आप शांत पढ़ने लगेंगे। शांत पढ़ने लगेंगे इसका मतलब ये, कठोर से कठोर परिस्थिति, दयनीय परिस्थिति में भी आप शांत रहना सीख जाएंगे। जब आप इस अवस्था में पहुंचेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप निर्मोही हो रहे हैं, आप कंडीशन को, परिस्थितियों को बैलेंस करना सीख जाएंगे। जब आप इस मंत्र के कम से कम 50 से 65 हजार जब पूरे कर लेंगे, तब आपके भाव में एक शालीनता, एक उदारता, एक ऐसे विचार आने लगेंगे जिससे आप किसी के भी साथ आप स्कैनिंग कर सकते हैं। जब आप आंखें बंद करेंगे तो आपको सामने वाली शक्ति का अनुभव होगा। सामने वाली शक्ति का अनुभव कैसे, कि जैसे उदाहरण के लिए सामने वाला कोई एक व्यक्ति है, उसके पास प्रेत योनि की शक्ति है, इत्र योनि की शक्ति है, कोई भी योनि के शमशान की शक्ति है, तो भोले से अगर आप प्रार्थना करेंगे, ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे, तो वो चीज़ आपको ऑरे में दिखेगी। ऑरा मतलब ये ब्लैक ऑरा है, वाइट ऑरा है, आपका चित्त उस चीज़ को पहचानेगा और वो चीज़ बिल्कुल 100% सही निकलेगी। जब वो चीज़ आपको देखने मिलेगी तो आप समझ जाएंगे कि आप, देखो, कंडीशन बैलेंस करना भी सीख गए,
आपका मन भी शांत होने लगा और दूसरी चीज़ आप क्या स्कैनिंग में भी मास्टर हो गए। जब आप इसके 75,000 से 90,000 मंत्रों के बीच पहुँचेंगे तब आप देखेंगे कि आपके ऊपर ना किसी भी चीज़ का असर नहीं पड़ेगा, ना ज़्यादा ठंड, ना ज़्यादा गर्मी, ना सुख ना दुख। आप परिस्थिति में साथ साथ रहने के एक चीज़ और सीख जाएंगे कि तंत्र में घुसना कैसे है। इस कारण से मैं ये वीडियो बनाया हूँ, क्योंकि कई लोग जो बोलते हैं ना ओम नमः शिवाय से कुछ नहीं होता, ओम नमः शिवाय से ही सब कुछ होता है। ओम नमः शिवाय से ही तंत्र आप काट सकते हैं, ओम नमः शिवाय से ही आप तंत्र लगा भी सकते हैं, ओम नमः शिवाय से ही आप सारी कुछ चीज़ें कर सकते हैं। क्योंकि जिन्होंने ओम नमः शिवाय का जाप करा है तो वो जानते हैं, कई बार ये हुआ है कि उनके आजू बाजू सफ़ेद रोशनी आने लगी है, कई बार उनके साथ ये हुआ है कि वो उनको ऐसा लगता है कि उनका शरीर हल्का हो रहा है और हवा से उठ रहे हैं, कई बार उनको ये होता है कि उनकी नाड़ियों में से मेरुरज्जु में जो नाड़ियाँ होती हैं उसमें से दर्द हो रहा है, खिंचाव महसूस हो रहा है और वो खिंचाव आपके ब्रेन तक जा रहा है और वो खिंचाव इतना ज़ोरों का होता है कि उनके सर को ऐसा लगता है कि वो फट जाएगा। उस अवस्था में एक वो जो बोलते हैं ना कि डार्क एनर्जी से लेकर के लाइटनिंग की तरफ जाना, कई बार एक मैं उन साधक का नाम नहीं लूँगा, जब वो ये चीज़ कर रहे थे तो रात में उनको ये लगा कि वो कहीं एक ना जैसे बोलते हैं ना स्वर्ग का द्वार दिखता है, उस जगह पर हैं। उनको वो वैसी अनुभूति हुई कि महादेव उनके पास हैं, और जब उनको ये अनुभूति हुई कि महादेव उनके पास हैं तो ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा छू गई और वो सिर्फ देख करके उस शक्ति को, उस ऑरा को महसूस करके रोने लगे। जब उन्होंने उस ऑरा को महसूस किया उनकी ज़िंदगी बदल गई, उनका काम धाम व्यापार, यहाँ तक कि उनको ये लगता था कि उन पर तंत्र आ रहा है बहुत सारा, और जो कि था, लेकिन उसके बाद तंत्र तक आना मना हो गया। क्योंकि भोले बाबा ऐसे ही हैं, वो अपने भक्तों पर अगर खुश हो जाएं तो सारी चीज़ देते हैं। और मैं इस चीज़ के लिए आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप ओम नमः शिवाय का प्रतिदिन जाप करते हैं तो मन शांत रहना, बीपी में नॉर्मल होना, नॉर्मल होने के अलावा आपका डायबिटीज़ कंट्रोल होना, कैंसर की शिकायत कम होना, आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म से लेकर के कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत, हार्ट अटैक की दिक्कत, सारी समस्या आपकी ख़त्म हो जाएगी। आप कितने भी बीमार पड़े रहो, थोड़ी सी शंभवी क्रिया करके अगर आप करते हो ओम नमः शिवाय का जाप तो कभी भी आप बीमार नहीं पड़ोगे, दीर्घायु होगे। और इस चीज़ को मैं इसलिए जानकारी दे रहा हूँ क्योंकि मैं इसका ग्रुप बनाऊँगा कि ओम नमः शिवाय का जाप कैसे करना है, कितने चरणों में जाप होगा, कब क्या करना है। इस कारण से मैंने ये वीडियो बनाया है, उसका शुल्क रखा जाएगा, पेड ग्रुप रहेगा, वो अभी नहीं होगा, शिवरात्रि के पहले चालू होगा वो, और उसमें बताया जाएगा, उस दिन से चालू किया जाएगा वो, और उस दिन से आप लोग सारे अपने एक्सपीरियंसेस डालेंगे उसमें, वो ग्रुप रहेगा, ज़्यादा शुल्क भी नहीं रहेगा उसका, कम ही रहेगा। तो ये सारी चीज़ें ओम नमः शिवाय में होती हैं। अगर आप ओम नमः शिवाय का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना चाहते हैं तो जुड़ें, ठीक, अन्यथा आप अगर जाप नहीं भी करना चाहते, हमसे जुड़कर भी नहीं करना चाहते, ठीक, वो पेड में आप जुड़कर नहीं भी करना चाहते तो प्रतिदिन, ठीक, ओम नमः शिवाय का जाप करिए, कैसे भी जाप करिए लेकिन करिए, है ना। क्योंकि देखिए गुरु जो देता है वो उसकी एनर्जी से देता है और अपनी एनर्जी जनरेटेड करके देता है वो सारी चीज़ें, तब आपको उस अंधेरे से ले जा करके वो रोशनी पर ले जा करके छोड़ता है, ठीक। तो आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई हो। जय मां मरी।